फाउंडेशन डे पर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, बोले आज देश के पास नीति भी नियत भी। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर चल रहा है। घर की छत पर बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करता था मुर्तजा, बरामद हुई एयरगन। अवंती पोरा के ट्रायल में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में दो आतंकी ढेर। वादों से चुनावी छल, फिर जनता पर भी लूट का बल, पेट्रोल और डीजल और सीएनजी की बड़ी कीमतों को लेकर केंद्र पर कांग्रेस का। कांग्रेस के गिरते ग्राफ से चिंता में सोनिया गांधी, बोली आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत। मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव करने जा रही योगी सरकार, खत्म होंगे दीनी तालीम देने वाले 5,359 शिक्षकों के। महाराष्ट्र में शिवसेना भवन के सामने एमएनएस ने लगाया पोस्टर, राज ठाकरे को बताया बाला साहेब का वारिस। मुर्तजा के गुरु का नाम, फोरम पर इस्लामी बातें सुनकर बना कट्टर। प्लस टू वार्ता से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की बात, यूक्रेन मुद्दे पर भी हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के 3 दिवसीय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मेलबोर्न विश्वविद्यालय का किया दौरा। भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करती है आईपीसी की रिपोर्ट, ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए अब तक आधा किया जा सकता है वैश्विक उत्सर्जन। घोटाले पर सांसदों ने सेबी चेयरपर्सन से पूछे सवाल, एक हफ्ते में दूसरी बार पूंजी बाजार नियामक की आधिकारिक संसदीय समिति के सामने हुए पेश। आर्मी मंत्रालय में दुष्प्रचार कर रहे 22 यूट्यूब चैनल्स को किया ब्लॉक, 4 पाकिस्तान से और 18 भारत से हो रहे थे संचालन। प्रतिशत लाभार्थी ही राशन कार्ड पोर्टेबल से परिचित, योजना से अधिक समावेशी बनाने के लिए लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना जरूरी। फिरोजाबाद में रिजर्व पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता, हर्बल ग्रीन वाटिका का हुआ उद्घाटन। गाजियाबाद में बदमाशों के सामने बेबस पुलिस प्रशासन, दिन दहाड़े महिला से चैन स्नैचे। सोनभद्र में पत्रकारों ने किया विरोध प्रदर्शन, बलिया में पत्रकारों पर हुए उत्पीड़न को लेकर सौंपा ज्ञापन। रामपुर में सिरफिरे आशिक ने लड़की पर किया हमला, लड़की के पिता को भी किया लहूलुहान, अस्पताल में भर्ती, दोनों की हालत गंभीर। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा का स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। रेलवे के पांडवे ट्रेनों में कोच के यात्रियों को मिलने लगी चादर कंबल।
नोएडा में पुलिस कर्मियों पर हमला, दबंगों ने जमकर पीटे, छुटा पुलिस वाले, मुकदमा दर्ज। रेलवे पुल पर गर्डर निर्माण, लखनऊ में बदलेंगे यातायात व्यवस्था। कानपुर में केडीए के सेनावृत्त अफसर पर कार्रवाई की तैयारी, अब तीन कर्मी हो चुके निलंबित। नेपाली खातों के जरिए मुर्तजा खाड़ी, देश भेजे थे लाखों रुपए। डोर टू डोर बलून टाइम प्रक्रिया से मरीजों को तुरंत मिलेगा इलाज, हार्ट अटैक आने पर घर तक पहुंचेगी इमरजेंसी टीम। मैनेजमेंट कोर्सों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 से। लखनऊ पहुंचे धारावाहिक धर्म योद्धा गरुड़ के कलाकार, कहा चुनौतीपूर्ण होता है पौराणिक शो करना। रेलवे की नई नीति से राजस्व ने व्यापारियों को मिलेगी सुविधा और राजस्व में भी इजाफा होगा। असिस्टेंट कमिश्नर आशुतोष मिश्र को मुंबई क्राइम ब्रांच ने बस्ती में किया गिरफ्तार, लूट और रंगदारी का दर्जा मुकदमा। सिटी के सीए के घर ईडी का छापा, ब्लैक मनी को लेकर की जा रही कार्रवाई। अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिताओं में त्रिवेणी क्लब में विल्लुपट्टु स्पोर्ट्स क्लब को हराकर पूर्णांक हासिल किया। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कपिल देव ने देखी विभाग की कार्य योजनाएं, बोले महिलाओं को आईटीआई से अधिक संख्या में जोड़े। कमेटी से शुरू होगी दिल्ली की हवाई सेना, स्मृति ईरानी न्यूटन मंत्रालय को 3 साल पहले लिखा था। हिस्सा बनी कानपुर की पायल, 32 लाख के पैकेज पर करेंगी काम। अखिलेश यादव ने कानूनी व्यवस्था और महंगाई पर भाजपा सरकार को घेरा, बोले देश में दौड़ रही अपराध की बुलेट ट्रेन। शहर के विकास को मिलेगी रफ्तार, बोर्ड बैठक में इन अहम परियोजनाओं के बजट को मिली मंजूरी। बलिया में बोर्ड पेपर परीक्षा लीक मामले में 2 ग्राम विकास अधिकारियों पर कार्रवाई। साल में नगर निगम के माफिया यूसुफ मलिक के परिवार को जारी किए 3.5 करोड़ के टेंडर। वाराणसी में आईआईटी बेचो के सहयोग से प्रदेश की 7 नदियों का होगा पुनर्द्वार, खाका तय। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया 100 दिन का एक्शन प्लान, योजनाओं को 10 सेक्टर में बांटकर होगा काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के स्थापना दिवस की कार्यकर्ताओं को दी बधाई, बोले बीजेपी राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति सदैव।
हथियार बनाने और चलाने के वीडियो खूब देखता है गोरखनाथ मंदिर का हमलावर मुर्तजा। पर्सनल लॉ बोर्ड महासचिव के बयान को मुस्लिम विद्वानों ने किया खारिज, कहा मुसलमानों की मुख्य धारा से अलग करने की साजिश। यूपीएससी एनएनएम ने 9212 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित। मुख्यमंत्री धामी ने कहा उत्तराखंड की सरकार आम आदमी की सरकार बनेगी, सेवा का करेगी काम। जामनगर चिड़ियाघर की 30 सदस्यीय टीम फतेहपुर के जंगल पहुंची। पहाड़ी भूली जगाए रही महिलाओं में स्वावलंबी के आस, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के सपने को भी कर रही है सरकार। भागों से स्वीकृति के बारे में जुमरानी क्षेत्र के विस्थापितों के पुनर्वास का मामला कैबिनेट। कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटक जल्द करा ले बुकिंग, 14 जून के बाद नहीं करा पाएंगे नाइट स्टे। डीसीपी में चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, 3 जिलों के एआर और डीसीपी के प्रबंधक हटे। पीएम मोदी और अमित शाह से मिलेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के विकास कार्यों पर हुई चर्चा। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में शुरू हुई पूजाओं की ऑनलाइन बुकिंग, पूजा की तिथि और समय करें सुनिश्चित। चुनाव के पहले पूर्व मंत्री के तथा कथित ऑडियो को भाजपा नेता ने ही कराया था वायरल। आदमखोर बाघ की दहशत से फतेहपुर के जंगल में एंट्री बैन, उल्लंघन पर होगा मुकदमा। चूल्हे से उठी चिंगारी से सुंदर वन में 45 झोपड़ी जलकर खाक, बेघर हुए कई परिवार। जवान आदमी से गर्भवती पत्नी की मुलाकात पर आग बबूला हुआ पति, तीसरी मंजिल से फेंका नीचे। उत्तराखंड में विभागों को बजट स्वीकृति और खर्च पर रहेगी नजर, ऑनलाइन तंत्र से होगी निगरानी। उत्तराखंड में अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 5% आरक्षण, शासन देश जारी। रुड़की में गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर ठगी, 2,80,000 रुपए पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन, चीनी नरसंहार के खिलाफ कार्रवाई करने की उठी। चीन के सिचुआन में भूकंप के जोरदार झटके लगे। से पहले नहीं करवाए जा सकते पाकिस्तान में आम चुनाव, आयोग ने खड़े किए हाथ, कहा 3 माह में संभव नहीं।
बाद बुडापेस्ट ने ईसी से जीत रद्द नहीं करने का किया आग्रह। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आपातकालीन कानून लिया वापस। आपातकाल हटाने के बाद भी सरकार पर मंडरा रहा खतरा। राष्ट्रपति राजपक्षे को सता रहा सत्ता जाने का डर। अल्पमत में आने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने वापस लिया आपातकाल। सत्तारूढ़ गठबंधन के 50 से ज्यादा सांसदों ने सरकार को किनारे किया। डरा अमेरिका। चीन उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षा को लेकर हुई है बैठक। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पूछा हत्याकांड के लिए रूस को आड़े हाथ लिया। बिना नाम लिए जताई नाराजगी। स्वतंत्र जांच कराने की मांग। पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका। युद्ध के खिलाफ यूक्रेन का साथ देने की प्रतिबद्धता दोहराई। मार्च में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत का सर्विस सेक्टर। इनपुट लागत भी बढ़ाई। इन्वेस्टर को राहत। सार्वजनिक निर्गम में यूपीआई से लेकर सकते हैं 5 लाख रुपए तक का भुगतान। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने 16वें दिन बुधवार को पार किया 105 रुपए का आग्रह। बाजार में गिरावट। निवेशकों की नजर एमपीसी बैठक पर। बिहार के पूर्व मध्य रेल के 24 स्टेशनों पर लगाए गए 80 कार्ड आधारित एटीवीएम। सीआई के जांच के आदेश से जोमैटो पर बिकवाली का दबाव। इस साल अब तक शेयर के दाम 41% टूटे। मेक माय ट्रिप ने किया बुक माय फ्लोरेंस का अधिग्रहण। वसूली के दबाव में लुढ़का शेयर बाजार। दुबई एक्सपो का समापन। इंडिया पवेलियन की विरासत जारी। रेलवे ने 92 गाड़ियों में पर्दे और 26 में लेनिन की सुविधा बहाल की। ईशान किशन ने कहा धोनी का खेल देखकर दंग रह जाता हूं। चैलेंजर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हराया। अभिनेत्री प्रियंका ने अय्यर से पूछा तुम कौन फैन से कर रहे मजेदार कॉमेंट्स। आरसीबी की लगातार दूसरी जीत। आरआर को 4 विकेट से हराया।
बजरंग पुनिया को 1 करोड़ रुपए, मनिका बत्रा दीपक कुमार को 10-10 लाख। राजस्थान के जोस बटलर ने पूरे किए 200 रन, ऑरेंज कैप पर किया जमाया कब्जा। राजस्थान की हार से हैरान कप्तान संजू सैमसन ने कहा क्यों मैच हारे पता नहीं चला। फिंच की पारी के सामने फीका पड़ा बाबर आजम का अर्धशतक पाकिस्तान को मिली। जडेजा ने धोनी को कप्तानी दे रखी है पर उन्हें फायदा, ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत पूर्व क्रिकेटर ने दिया बयान। मैक्सवेल आरसीबी के लिए राजस्थान टीम के खिलाफ होंगे उपलब्ध, हेड कोच ने किया खुलासा। बचपन से ही शानदार एक्टर बनना चाहते थे केजीएफ 2 के रॉकी भाई, टीचर भी क्लास में कहते थे हीर। राजा भोज की नगरी में बिगड़ा अक्षय कुमार का डाइटिंग प्लान, भोपाल में शुरू हुई फिल्म सेल्फी की शूटिंग। पंजाबी रीति रिवाज से शादी करेंगे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। शुक्ला से खुद को नहीं अलग कर पाई है शहनाज गिल, उन्हें 24 घंटे रखती है अपने साथ। रियाज की निजी जिंदगी पर बयान देने के बाद बुरी फंसी रश्मि देसाई, फैंस ने ट्रोल कर लगाई थी। सिंह ने जैसे भाई जोरदार की रिलीज से पहले किया दावा, कहा फिल्म में नहीं रुलाया तो पैसा वापस। अपनी नई गाड़ी में अवार्ड लेने पहुंची नागिन तेजस्वी प्रकाश, ब्लैक शिमरी ड्रेस में दिखा खूबसूरत। सपा आजाद के बाद एक्स वाइफ सुजैन खान बॉयफ्रेंड के हाथ थामे आई नजर, ट्रोल करते हुए लोगों ने कहा क्या कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है। सनी हिंदुजा ने मॉरिशस में शुरुआत की शाहजादा की शूटिंग, कहा फिल्म का हिस्सा बनकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। शादी के बाद सुचित्रा सेन ने शुरू की थी एक्टिंग, फिर बन गई टॉप एक्ट्रेस। तेज दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।